अकाली दल दे स्पोक्सपर्सन ते यूथ प्रधान पहुंचे श्री आनंदपुर साहिब। अदाकारा कंगना रनौत वालों किते ट्वीट ते वरे अकाली दल दे यूथ प्रधान। देखो कंगना रनौत की सोच है जो इस योगदान दे विच पंजाब दियां माइयां ने पंजाब दियां भैणां ने योगदान पाया वो लामिसाल है। उहदी अज सराहना कह लो उहदी प्रेज कह लो दुनिया भर दे विच इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। अकाली दल दे सीनियर नेता ते स्पोक्सपर्सन डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते श्रोमणी अकाली दल दे यूथ विंग दे प्रधान बंटी रोमाना अज श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे जिथे उन्हां पत्रकार नाल गलबात दौरान डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अज उन्हां दा इत्थे आउण दा मकसद अकाली दल वल्लों अपने 100 साला स्थापना दिवस नूं मनाउण दीआं तैयारियां दा जायजा लैणा है। 12-13 ते 14 दिसंबर नूं श्री आनंदपुर साहिब विखे बड़े वड्डे पद्धर ते श्रोमणी अकाली दल दा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिस विच इह तिन्ने दिन श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान मौजूद रहणगे। इस समागम विच श्रोमणी अकाली दल दी पूरी लीडरशिप हाजिर रहेगी। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने गलबात दौरान जिथे समागम बारे जानकारी दी उथे किसानी संघर्ष बारे बोलते हुए कहा कि केंद्र किसानां नाल गलबात करन लई सुहिरद नहीं है, वो अपनी जिद पुगाउणा चाहुंदी है। अज केंद्र दे किसानां नाल दोपहर 3 बजे होण वाली मीटिंग बारे बोलते हुए कहा कि किसान बिल वापस लैण लई कह रहे ने ते केंद्र इन्हां दे फायदे गिणा रही है। इहो जिही सरकार दी रणनीति गलबात दे संजीदा माहौल नूं खराब कर रही है। इस तो बाद रवनीत बिट्टू दे बयान बारे बोलते हुए उन्हां कहा कि इह बयान देण तों गुरेज करना चाहीदा है ते किसानां दी मदद करनी चाहीदी है। किसानां दी लीडरशिप बड़ी ही वधिया है ते समझदार लीडरशिप है, इसे करके ही किसानां दा इह संघर्ष शांतमई रहा है। चीमा ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र दे मुताबिक केंद्र नूं किसानां दी गल सुननी चाहीदी है। ए लोक ही ने जो सरकारां बणाउंदे ने, अगर किसान लोकतंत्र दे मुताबिक अपनी गल दसना चाहुंदे ने तां केंद्र नूं वी उहनां दी गल मन लैणी चाहीदी है। उत्थे अज इस मीटिंग विच विशेष तौर ते पहुंचे श्रोमणी अकाली दल यूथ विंग दे प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने पत्रकार नाल गलबात करदियां कहा कि पंजाब दी सब तो पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वल्लों खालसे दे प्रगट स्थान विखे अपने 100 साल पूरे होण ते इक वड्डा समागम करवाया जा रहा है, जिस विच श्रोमणी अकाली दल दी समुची लीडरशिप पहुंच रही है ते इस समागम दे संबंध विच प्रबंधा दा जायजा लैण लई अज साबका सिक्ख्या मंत्री अते श्रोमणी अकाली दल दे मुख बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा दे नाल श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुंचे। इस तो अलावा परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने केंद्र सरकार ते तिखे निशाने साधदिआं कहा कि बेशक अज केंद्र सरकार वल्लों किसानां दे लई गलबात करन लई सद्दा दित्ता जा रहा है, परंतु देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग तों पहलां ही अपनी इंटेंशन जाहर कर चुके ने। उन्हां कहा कि देश दे प्रधानमंत्री कह चुके ने कि किसानी संबंधी बनाए कानूनां नूं लै के सरकार दी इंटेंशन गंगा जल वर्गी साफ है। परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने कहा कि देश दे प्रधानमंत्री नूं अजिहा बयान किसानां दे नाल गलबात तों पहलां नहीं देना चाहीदा सी, सगों इक सार्थक माहौल बनाउण दी कोशिश करनी चाहीदी सी। उन्हें केंद्र सरकार ते सवाल चुकदियां कहा कि केंद्र सरकार वल्लों ना तां पवित्र गंगा नूं साफ करवाया जा सकिया ते हुण जदों किसान संघर्ष दे राह ते ने उत्थे अपना घर बार छड के सड़कां ते बैठे ने। अजिहे विच प्रधानमंत्री वल्लों इह कहना कि साडी इंटेंशन गंगा जल वर्गी साफ है, इह अत निंदण योग है। दूजे पासे अदाकार कंगना रनौत वल्लों किते इक ट्वीट दे संबंध विच बोलदिआं उन्हां कहा कि पंजाब दियां बीबियां मातावां अपने घर बार छड के इस संघर्ष दे विच मर्दां दे नाल मोढे नाल मोढा लगा के डटियां होईयां ने। अजिहे विच कंगना रनौत दा इह कहना कि अजिहियां बीबियां 100-100 रुपए नूं मिल जांदियां ने, इह बहुत ज्यादा अपमानजनक बयान है। पहला तां खुशी है कि श्रोमणी अकाली दल दे यूथ दे प्रधान सरदार परमबंस सिंह रोमाना जी अज प्रधान बनन तों बाद पहली बारी जिहड़े आ तख्त श्री केसगढ़ साहब ते नतमस्तक होण वास्ते आए आ, और उन्हां दे नाल श्रोमणी अकाली दल दे पंजाब तों साडे होर सीनियर यूथ दे लीडर साहिबान भी आए आ, पंजाब यूनिवर्सिटी दे यूनियन दे प्रधान साहब चौधरी साहब भी आए आ, होर कई जिलों दे प्रधान साहब आए आ, और साडे जिहड़ी ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ
कि 14 दिसंबर नू श्रोमणी अकाली दल का 100 साला स्थापना दिवस जिहड़ा वो खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहब के उत्ते 12, 13 ते 14 तरीक नू मनाया जाता जिदे विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब आप 3 दिन इत्थे हाजिर रहणगे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान इत्थे रहणगे ते सारी साडी लीडरशिप श्रोमणी अकाली दल की भी इसतरी अकाली दल की भी यूथ अकाली दल की भी और बाकी सारे जिन्हें पार्टी के विंगड़े सारी लीडरशिप 3 दिन इत्थे हाजरी भरेगी जिथे वक् वक् विषयों के उत्ते विचार भी होणगियां सैमीनार भी होणगे और होर डिटेल्ड प्रोग्राम जिहड़ा प्रधान साहब 6 नूं मीटिंग करके जारी करनगे वो सारा प्रोग्राम इत्थे चलेगा। सो अज की जिहड़ी मीटिंग है वह तो मुख तौर पर प्रबंधां का जायजा लैण वास्ते है इस करके एक तो जिहड़ा मकसद है अज की मीटिंग का यह है। दूजा जिहड़ा किसानां दा संघर्ष चल रहा उहदे वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं कहना चाहुंदा कि हुण तक दा जो इंप्रैशन जा रहा उहदे विच इह है कि केंद्र सरकार अपनी जिद भगाउणी चाहुंदी है टाइम कढ़ना चाहुंदी है जो सहिरदता होनी चाहीदी सी इशू नूं हल करन वास्ते वह केंद्र सरकार दे विच नज़र नहीं आउंदी जिहड़ी कि मतभागी गल क्योंकि 13 नवंबर नूं इन्हां दी मीटिंग होई सी जिस दिन किसान जथेबंदियां ने ऐलान कर दिता सी कि 26 ते 27 नवंबर नूं असीं दिल्ली दे विच जा के घराओ करांगे। 2 हफ्ते केंद्र सरकार ने एक भी स्टैप नहीं लिया कि इस अंदोलन नूं रोकिया जा सके जिहड़ी कि उन्हां दी बहुत वड्डी मैं समझदा बज्जर गुनाह है। ना पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब ने कोशिश की कि इत्थों तक स्थिति ना पहुँचे ना हरियाणे दे मुख्यमंत्री साहब ने कोशिश की कि यह गल पहला केंद्र सरकार नाल गल करके टाली जाए। हमेशा जदों अल्टीमेटम दिते जाते हैं जथेबंदियों वालों और वड्डियां जथेबंदियों वालों तो सरकार उहदे वास्ते पहला गंभीर होंदी पर इन्हां दी कोशिश सी कि असीं अंदोलन नूं कुचल देना हरियाणा ने रोकां लाइयां बेहिसाबियां तो अज स्थिति यह है कि बड़ी गंभीर स्थिति दे विच जिहड़ा संघर्ष पहुँच चुकिया। ये तो मैं किसान जथेबंदियों का किसानों का धन्यवाद करदा कि वह बड़े शांतमई तरीके दे नाल पीसफुल तरीके दे नाल बड़ी सहज दे नाल सारी स्थिति नूं नजिठ रहे हैं नहीं तो केंद्र सरकार वालों जां इन्हां दी दोनों सरकारों वालों माहौल खराब करन दे विच कोई कोशिश जिहड़ी आ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਚਿਓਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵੈ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਬਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਾਜਗਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਣੋ ਮਿਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ
उन्हां दीआं भी भावनावां जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल जुड़ियां होईआं। इस करके उस गिनती नूं घटा के नहीं देखना चाहीदा। जिहड़े इत्थे बैठे आ इह वी जाण नूं तैयार बैठे आ। इस करके ये सारी शक्ति नूं समझ के उन्हां दी मुश्किल नूं समझ के केंद्र सरकार नूं फैसला करना चाहीदा। क्यों इस दसो सियासी पार्टी कहड़ी है? ये गलत है, मैं यही कह रहा ना कि ये चीज़ा इस तरह की बयानबाजी, कभी कह देना यह खालिस्तानी है, कभी कह देना टैरिस्ट है, कभी कह देना जिन्हें तो होर यहोजे अंसर वड़ गए। ये पुरानिया कोशिशों पेशा कांग्रेस वाले भी यही होंदा सी कि सारे सिखां नूं देश दे विच अतवादी ते वक्वादी ऐलान दिता सी। एक मौके ते उन्होंने ये जिहड़ी है माहौल नूं खराब करन वास्ते, अटैंशन डिवर्ट करन वास्ते जिहड़ी है ये कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कामयाब नहीं होनी, केंद्र सरकार नूं गंभीरता दे नाल उन्हां दा मसला हल करना। सर तुहानूं की लगता भी सेंटर गौरमेंट नूं जिहड़ा है किसानां दा जिन्ना इन्ना रूह हैगा उहदे अगे झुकना पएगा? देखो झुकना नहीं होंदा कदे गौरमेंट नूं, इह इह तां कदी जिहड़ी है फीलिंग ही नहीं आउणी चाहीदी किसे दे मन दे विच कि कौण किहदे सामने झुक रिहा। लोकां ने शक्ति दित्ती हुंदी है तुहानूं सिस्टम चलाउण दी। जे पब्लिक किसी गल के उत्ते एग्री नहीं करती, डिसएग्री कर रही है, तो तुहाडी ड्यूटी है कि उहदे मुताबिक तुसीं अपनी नीति नूं ढालना। इस करके डर तक किसी नूं झुकण दी जां झुकाउण दी गल होनी नहीं चाहिए। जिम्मेवारी निभाउण दी गल है, झुकण झुकाउण दी गल नहीं। जिम्मेवारी किन्नी कु तुसीं निभाउंदे, पब्लिक की गल किन्नी कु सुणदे हो? डेमोक्रेसी यही है, फिर लोकतंत्र कहदा रह गया? जे तुसीं पब्लिक की गल मनण नूं झुकना मनण लग जाओगे फिर लोकतंत्र कहदा रह गया? यही तो लोगों की शक्ति है कि लोग सरकार बनाते हैं, लोग सरकार लाते हैं, और उस जनता ने जिन्हें तुहानूं शक्ति दित्ती है वह तुहानूं नाल किसी चीज़ में सोध करने वास्ते गल कहती है, तो तुहानूं उहदी गल नूं इस तौर ते नहीं लैना चाहिए कि सानूं झुकाउणी चाहुंदी है। ये उहदा आदेश है पब्लिक का, उहदी गल समझनी चाहिए। सर पंजाब अज उस धरती ते जिथे साडे दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की साजना की सी, जिस धरती ते किण किण ते उन्हां दी याद जुड़ी आ, उन्हां दा सत्कार जुड़िया, उत्थे नतमस्तक हो के आशीर्वाद दित्ता। ते डॉक्टर साहब ने मेरे सत्कारयोग फादर फिगर ने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, इन्हां ने मीटिंग रखी सी अज इत्थे। श्रोमणी अकाली दल दा 100 साल होण जा रहा है 14 दिसंबर नूं, ते साडे वास्ते बड़ी माण दी गल है कि उस जथेबंदी जिन्हों पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी कहा जांदा है, जिस जथेबंदी दी सारजना श्री अकाल तख्त साहब तों ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ 100 ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਲਾਹਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। 80-80, 90-90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।